Hey guys, welcome back to a new fresh vlog. मैं तो बढ़िया हूँ, आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है मेरे नया फ्रेश व्लॉग में। और इन्हें अगेन एक फ्रेश डे के साथ। बाय द वे, वेट इज ओवर, ट्रैवल सीरीज शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप थंबनेल तो देख के समझ गए होंगे पूरा। आज हम ट्रैवल करेंगे, सिर्फ इस व्लॉग में पूरी ट्रैवलिंग है। और जस्ट अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, रात की हमारी ट्रेन है अराउंड ठीक 12 घंटे बाद, 2 बजे के अप्रॉक्सी हमारी रात में ट्रेन भी है। गाइज अभी भी पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई है, बल्कि थोड़ी हो पाई है और अभी भी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। अभी हम एक जगह अपनी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम रखेंगे बैग में और फिर पटाख से हो जाएगा। सो गाइज ऑल सेट है, सब कुछ पैकिंग वैकिंग हो चुकी है और अभी बज रहे हैं रात के 10:59 है, हाँ 10 बज रहे हैं। और 1:30 बजे हमारी ट्रेन है, करेक्ट टाइम पे है। अभी तो कोई लेट वेट का सीन नहीं है, ऑन टाइम है और पैकिंग हमारी हो चुकी है। भाई देखो, देखोगे वो देखो ताला थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट ठीक है, हमारे अंदर उसके डॉक्यूमेंट ज़रूरी रखे हैं तो इसलिए हमने बड़ा ताला लगा रखा है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं, वो ताला मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने वो लगा रखा, ठीक है। तो सो गाइस जस्ट खाना खाने जा रहे हैं और सब्जी रोटी, ये जिसको नहीं पता गल का होता है, चटनी, आम, थोड़े से राइस। और इधर पर हमारा थोड़ा वो बैकअप वाला प्रोसेस हो रहा है, बस थोड़ा सा जल्दी से खाना पीना खा के निकलने वाले हैं। और ट्रेन भी हमारी 1:30 बजे की है, बज रहे हैं अप्रॉक्स 11:30 के करीब। और सो बस फाइनली निकलते हैं थोड़ी देर में और देखते हैं, चल के कुछ ही देर में स्टेशन में मिलेंगे आपसे। ले भाई स्टेशन आ गए, हमारा बैग सबसे ले भाई, मशीन ख़राब है समझ रहे हो, यहाँ इसी सिक्योरिटी टाइट रही थी समझो। आ चुके हैं गाइस यहाँ पे और बहुत भीड़ है भाई, आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। ये देखो लो भाई, एक ट्रेन आ गई, दूसरी आ गई, वो देखो भाई, चल रहे, बहुत भीड़ है आज तो भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। वो दो लोग उधर चल रहे हैं, हम इधर चल रहे हैं। जो सीट है उसमें भी दिक्कत है, देखते हैं कैसा होता है और कैसा सा रहता है सीन, एक्सपीरियंस बताते हैं। क्योंकि सीट मेरी कंफर्म तो नहीं है, आरएसी में है, आरएसी मतलब आधी आधी सीट। तो वैसे पूरी सीट मिलेगी मुझे जहाँ तक मुझे भरोसा है, क्योंकि इतना होगा नहीं, जल्दी है ना, अभी ट्रेन चली है 1 घंटे पहले, तो मे भी हमें पूरी सीट मिले, देखते बात क्या होता है। सीट तो हमारे पास 3 है, 2 कन्फर्म है, 1 आरएसी है, देखते क्या होता है। लो भाई हमारी ट्रेन चंदर ही आ गई, कानपुर सेंट्रल के बाद पारी है, समझो स्टेशन के बाहर है। लाइटिंग की कमी है कानपुर सेंट्रल में, ये तो बात सच है। नीचे वो अंडरग्राउंड है गाइस, अंडरग्राउंड जाके पूरा बाहर तक होके आता है ऐसे, जिसको बाहर जाना हो एक ये सुविधा है लिफ्ट की, और वो उधर जीने की है। और ये खड़ी हमारे सामने प्रयागराज एक्सप्रेस, यहीं पे हमारा कोच आएगा, देखो क्या होता है, कितने छोटे बच्चे हैं। और ये रहा स्टेशन, हमारा वेटिंग रूम तो उधर है, बट जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 5 मिनट में हमारी ट्रेन आने वाली है। और फिर चले गए, ये देखो स्लीपर, ये लड़का मुंडी निकाल रहा है बाहर, दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखो 57 वाली खिड़की में देखो, जहाँ की देख रहा अभी नहीं है। अभी गाइस हमारे कोच नंबर भी नहीं लिख के आ रहे हैं, तो यार देखो पान मसाला थूका पड़ा है स्लीपर में। ये पक्का यूपी के लोग होंगे जो इतना पान मसाला खा रहे हैं। और देखो जा भी यूपी की रही है, हावड़ा से नहीं, हावड़ा से आ रही है, न्यू दिल्ली जा रही होगी। इंतजार ख़त्म हो गया और हमारी ट्रेन आ चुकी है, कोच नंबर हमारे लग चुके हैं और हम जा रहे हैं। ये लग लो, ये लटांगो ये दे भाई, हमारे डब्बे शुरू हो गए, B1 हम लोग का है, B6 आने वाला है, यहीं पे आएगा। ले भाई हमारी है 39, 32 और आगे होगी भैया, जगह तो मिल जाए। सारा भाई
अंकल यही सीट है हमारी। ले भाई हमारी सीट मिल गई। जी जी अंकल इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से ही हमारी सीट है। बढ़िया सा सिस्टम है, पर्दा भी लगा है। तो भाई गोविंदपुरी ले पी जाएंगे साहब। ले लिया स्टेशन आने वाला है। स्टेशन लग रहा निकल गया नहीं अब आएगा। दैट्स गोविंद नगर स्टेशन। अरे यार गाइस इस समय ट्रेन चल रही है और काफ़ी तेज पानी बरस रहा बाहर, बहुत तेज। और बाहर अभी भी बारिश हो रही है, थोड़ी देर रुक के लग रहा। ये कुछ गाइस हमारे बर्थ है और काफ़ी गजब का बिछाया था हम लोग ने रात में, बट सब उलझ गया। ये रहा बाहर का व्यू समझ लो, और कर्टेंस पूरे खुलते हैं भाई, पूरा व्यू लो। वेरी गुड मॉर्निंग, अभी जस्ट सो गए उठे हैं। आप देखोगे व्यू, ये देखो उठ चुके हैं और बज रहे 7 और करंटली स्टेशन आया हुआ है आगरा, और देखते हैं नाश्ता भैया गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट नाश्ता भैया आगरा रेस्टोरेंट में इडली सांभर पूरी भाजी पूरी छोले आलू पराठा पोहा नाश्ता टाइम पे क्लैश कर रहे हैं। भीड़ है बाहर भी। ले भाई एक हमारी और सही, हमारा भाई रूम में, और भाई ये ले पीएमओ वाले कहीं भी रुकना रहा है।
समझ रहे हो? सुबह और अराउंड 8 बज रहे हैं, ट्रेन हमारी लेट चल रही है 50 मिनट, और सूरज दादा निकल चुके हैं बढ़िया, जस्ट मैं सो के उठ गया था, थोड़ी दूर है मथुरा आया तो, और इसके बाद हमारा पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ला भाई ब्रिटानिया केक चल रहा है, आ ही गए हैं अब, काफी लेट है यार ट्रेन। कर रहे हैं, चलो निकलते हैं नीचे, चलो 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 चलो, सारा सामान आ गया, कुछ तो अच्छा तो नहीं, देख लो ये रही हमारा कोच, छोटी वाले बाबा चल रही ट्रेन ही चल रही, अभी इससे चढ़ के ऊपर जाएंगे और फिर निकलेंगे बाहर, समझो इनको आ रहे हैं बाकी लोग भी, ये बढ़िया दादा शरार है, फ्लैट भी दिखता है इसका, सेकंड फ्लोर पे है, इस तरफ सेकंड फ्लोर पे। तो भाई आ गए फाइनली घर, और अब करने जा रहे हैं इस व्लॉग को एंड। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे हम लोग घर, और बाय द वे फ्लैट में है करेंटली, और ये जाली वगैरह लगी हुई है, जस्ट अभी अभी आए हैं, और सो बाय द वे बस काफ़ी लंबा हो रहा है व्लॉग भी, तो करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और जय हिंद। एक नई सीरीज़ है, नया कॉन्टेंट है, अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट आपको पोस्ट करेंगे, अच्छी से अच्छी कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट देने के लिए, सो